I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. अक्टूबर 2021 में फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अनाउंस किया कि फेसबुक का नाम अब मेटा होगा और इसकी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करके बनेगा मेटावर्स। इसमें कंपनी प्रॉमिस करती है एक वर्चुअल रियलिटी की जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में होगी। मेटावर्स मेरी भी लाइफ चेंज कर सकता है और आपकी भी, और हमें जानना चाहिए कि मेटावर्स है क्या और लोग इस पे इतने एक्साइटेड क्यों हैं और ये हमारी सोसाइटी को कैसे चेंज कर सकता है। मेटा का कॉन्सेप्ट ये है कि हम कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं ऐसे मीडियम्स में जिनमें हम एंगेज रहते हैं। हम टेक्सटिंग से फोटोज और फोटोज से वीडियोस में मूव हुए। हमारी हैबिट बुक रीडिंग या न्यूज़पेपर से हटके टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब या फेसबुक पे मूव हुई और अब मेटा इस सब में एक नई एडिशन है। ये उसी टाइम पे आ रहा है जब दूसरे बिलियनर जैसे जेफ बेजोस या एलन मस्क स्पेस पे बिलियन स्पेंड कर रहे हैं और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी साथ में चलती है। और मेटावर्स उसी कैटेगरी में आता है जहां आप इंटरनेट यूज अपने स्क्रीन्स पे कर रहे होंगे लेकिन आप इसके इनसाइड भी होंगे। सपोज कीजिए आप अभी कुछ भी कर रहे हैं, शॉपिंग, अपनी फैमिली के साथ चिट चैट या यूट्यूब पे मेरा ही कोई वीडियो देख रहे हैं और इन द ब्लिंक ऑफ एन आई आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में स्ट्रेंज लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं जो एक वर्चुअल लिविंग होगा और एक वर्चुअल यूनिवर्स में। ये है मेटा का विजन मेटावर्स में। मेटा ने इस वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करने के लिए इसके हेडसेट्स के कॉस्ट्स भी सब्सिडाइज किए हैं और अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं तो इसमें ऐसे भी पॉजिटिव्स हैं जो हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि मेटा आपको एलो करेगा कोई भी सुपर हीरो बनके अपने स्किल्स को शो करना, वर्ल्ड की किसी भी सिटी में बैठ के अपने फैंस के साथ चैट करना या कोई भी स्पोर्ट खेलना और ये सब इस सिक्योरिटी के साथ कि आप अपने घर बैठे सेफ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। नो मैटर आप कितने भी शाय हैं या लोगों को फेस करने से डरते हैं लेकिन मेटा में आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे भी आप चाहे। आप सोशल मीडिया पे एक प्रोफाइल पिक्चर रखते हैं ताकि लोग आपको इस इमेज से जाने लेकिन मेटा में इमेज नहीं अवतार होगा जो आप अपनी मन मर्जी से डिजाइन करेंगे। आप खुद को 2 से 3 इंच टॉल कर सकते हैं, लॉन्ग हेयर रख सकते हैं, कोई भी जेंडर, रेस या किसी भी क्रिएचर में खुद को डिजाइन कर पाएंगे, मतलब कुछ भी। और आप ऐसे कार्टून जैसे नहीं होंगे, ये बस मेटा ने एक्सप्लेनेशन के लिए रिप्रेजेंट किया था लेकिन मेटा एक ऐसे टेक पे काम कर रहे हैं जिसमें आप रियल लाइफ लुकिंग एवटार होंगे और ये वाला फील रियल लाइफ का होगा। आप रियल लाइफ में किसी भी डिसेबिलिटी से बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते होंगे लेकिन मेटा में आप चलना या दौड़ना भूल जाइए, आप इसमें फ्लाई कर पाएंगे। रियल लाइफ में हमें जब ऑफिस, स्कूल या किसी भी रीजन से कहीं भी जाना हो तो सबसे बड़ा इशू रहता है ट्रैफिक का, लेकिन मेटा में कॉन्सेप्ट है टेलीपोर्टेशन का जिसमें आप अपने घर बैठे ही एक ही क्लिक से को भी अपने घर में इनवाइट कर सकते हैं और इसमें फिजिकली कुछ नहीं करना होगा, बस आप अपने घर में बैठे हेडसेट लगा के ये सब एक्सपीरियंस करेंगे। आजकल हम किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स गूगल करते हैं या लाइब्रेरीज में जाकर रिलेटेड बुक्स को रीड करते हैं लेकिन मेटावर्स में आप चीजों को सर्च करके उन पे टच करके अंडरस्टैंड करेंगे और छोटी सी छोटी डिटेल्स को वर्चुअली एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी इजी बनाएगा। आप किसी भी जगह अपनी मन मर्जी से किसी भी टाइम रोमन एम्पायर से लेकर डायनासोर्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 में लिविंग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। हम सब बड़े हुए पेन या पेंसिल से लिख के और लोग आजकल कीबोर्ड्स यूज करते हैं टाइप करने के लिए लेकिन मेटावर्स में आप यूज करेंगे वॉइसेस, जेस्चर्स और इवन थिंकिंग को, चीजों को कंप्लीट करने के लिए। मेटावर्स अब इलेक्ट्रोमायोग्राफिक्स या EMG पे काम कर रहा है जो हमारी नर्व्स की इंपल्सेस को डिटेक्ट करेगी, मतलब जो भी हमारा ब्रेन नर्व्स को सिग्नल करेगा और ये डिवाइसेस उन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करके वर्चुअल वर्ल्ड में एक्शन देंगी। इन शॉर्ट आप किसी भी इंसान को मैसेज सेंड कर पाएंगे बस अपने दिमाग में सोच के कि आप अपनी फिंगर्स को मूव कर रहे हैं लेकिन आपको फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये मेटावर्स हार्डवेयर बहुत ही एफिशिएंट वे में डिजाइन किया गया है और मेटा 2022 में हेडसेट्स लॉन्च करेगा जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होंगे। इनकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन सफिशिएंट होगी कि आंखों को क्लोज रखने के लिए और आप फील नहीं करेंगे कि आप हेडसेट पहने हैं। ये हेडसेट आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रियल टाइम ट्रैक करेगा जिसका मतलब अगर ये करेक्टली इन एक्सप्रेशंस को ट्रैक करे तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में रियल एक्सप्रेशन दिखा पाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेटावर्स एक इकोनॉमी बन सकती है क्योंकि मेटावर्स एक वर्चुअल स्टोर पे काम कर रहा है जिसे हॉरिजॉन मार्केटप्लेस कहते हैं और आप इसमें अपने प्रोडक्ट्स को किसी भी इंसान को सेल कर पाएंगे जैसे वर्चुअल क्लोथिंग और आप जैसे चाहे अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर पाएंगे और ये सब आपकी इमेजिनेशन से होगा।
इसमें देखना ये होगा कि मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या क्रिप्टो करेंसी या एज यूजुअल डिजिटल ट्रांजेक्शन से होगा विद कंट्रीज ऑन करेंसी। बट हर बिजनेस के लिए कंज्यूमर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और करंट फेसबुक का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें डेटा को गैदर करना इनका प्राइमरी गोल है। और अब मेटावर्स एक ऐसा एआई इंजन यूज करेगा जो एज पर एक्सपर्ट्स नाइटमेयर होगा डेटा प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एक कंपनी के पास जितना कंज्यूमर डेटा होगा वो उतने ही कंट्रोल के साथ अपना बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकती है। और फेसबुक पहले से ही डेटा ब्रीच ट्रायल्स दे चुका है और एज पर एक्सपर्ट्स मेटा को मोस्ट ब्रूटल वर्जन ऑफ फेसबुक माना जा रहा है, जिसमें ये डर है कि ज्यादा डेटा ब्रीच के साथ साथ वर्ल्ड डेमोक्रेसीज को वीक भी कर सकता है। फेसबुक पे जब भी डेटा ब्रीच या सेंसरिंग के केस फाइल हुए, फेसबुक ने हर बार डिनाई किया और बहुत ही डिफेंसिव रहे। ये सेम चीज है जैसे टोबैको कंपनीज ये जानती है कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन अपने ब्रांड्स को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उनमें पॉजिटिव ही दिखे। अब मेटावर्स कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है? मेटावर्स खुद को ओपन सोर्स कर सकता है अपने कोड्स को पब्लिक करके, जिससे लोग लेस कंसर्न्ड होंगे डेटा और डेटा स्पाइंग से, और ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट ट्रस्ट कर सकती है कि उनका डेटा सेफ है। आई नो कि इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन लेट्स सी मेटा कैसे डिलीवर करता है। लेट्स वाइंड इट अप। अगर आप जानना चाहते हैं कि नासा का $10 बिलियन टेलीस्कोप कैसे बना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, या अगर आप जानना चाहते हैं कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 परफॉर्मेंस बीस्ट कैसे है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मेरा नाम है ओएस और ये है द बैनी टीम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।